तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द येलो वॉलपेपर, जिसे सर लॉर्ड परकिंस गिलमिन के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 3 जुलाई 1860 में हुआ है और उनकी डेथ 17 अगस्त 1935 में हुई। ओके, इस टॉपिक का जॉनरा है गॉथिक हॉरर टेल और इसको लिखा गया है 1892 में और प्लेस था कैलिफोर्निया। और यह जो शॉर्ट स्टोरी है इसको लिखा गया तो उस वक्त टाइम चल रहा था लेट 19th सेंचुरी, और इसका प्लेस रखा गया, सेटिंग रखा गया अमेरिका, और सिंबल के रूप में इसमें यूज़ किया गया है वॉलपेपर। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें ये जो शॉर्ट स्टोरी है समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट कैरेक्टर में जो कहानी सुनाती है वो नरेटर है, एक महिला है जिसका नाम यहाँ पर बताया नहीं गया है, उसे बस नरेटर के नाम से संबोधित किया गया है इस टॉपिक में। ओके, और उसके द्वारा एक डायरी लिखी जाती है और वो अपने सारे पर्सनल चीज़ों को उन डायरी में मेंशन क्या करती है, और उसी डायरी को यहाँ कंटिन्यूसली रीड किया जाता है, उसी हिसाब से इसमें बताया गया है। नेक्स्ट करेक्टर है जॉन, जो कि नरेटर जो रहती है उनके हस्बैंड है ये जॉन। और फिर नेक्स्ट करेक्टर है जेनी, जो कि जॉन की बहन रहती है और थोड़ा बहुत हाउसकीपिंग वाला काम करती है ये इन दोनों कपल के लिए, मतलब जॉन और नरेटर इन दोनों कपल के लिए वो थोड़ा बहुत काम किया करती है हाउसकीपिंग वाला, जब नरेटर का तबीयत ख़राब रहता है तब, इस स्टोरी के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग इस टॉपिक को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। द येल्लो वॉलपेपर, येल्लो का मतलब पीला होता है, वॉलपेपर जो हम लोग दीवार में किसी चीज़ को चिपकाते हैं, साटते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं दीवार पर पीले रंग का एक पेपर चिपकाया हुआ, उसी पर बहुत सारी हरकतें इस स्टोरी में होती है, होती ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो नरेटर के द्वारा डायरी में लिखी गई और इसको क्रोनोलॉजिकली में पढ़ा जाता है और इसके बारे में बताया जाता है, इसलिए नरेटर इसको नरेशन के आधार पर हम देख सकते हैं। ओके, तो जॉन मेन जो कैरेक्टर है वो जॉन, उसकी पत्नी जिसका नाम यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है उनका नाम क्या है, इस शॉर्ट स्टोरी में बस उन्हें नरेटर के रूप में बताया गया है। नरेटर मीन्स कहानी सुनाने वाली हम कह सकते हैं। नरेटर जो है कि वो अब डिप्रेशन में है, वो पीड़ित है, जब से उसने एक बच्चे को जन्म दिया है उसके बाद से वो खुद डिप्रेशन में चली गई है, अजीबोगरीब ख्यालात उनके दिमाग में चलते हैं। तो उनके हस्बैंड जो जॉन होते हैं नरेटर को कहीं दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वो चाहते हैं ऐसा कि इसे आइसोलेट किया जाए, अकेले रखा जाए, ताकि इनका दिमाग जो है वो ठीक हो जाए और ये डिप्रेशन से जल्द ठीक हो जाए और नॉर्मल पीपल की तरह लिविंग अपना लाइफ को वो जिए, ठीक है। तो इसके लिए उसके हस्बैंड उन्हें बाहर ले जाते हैं, जहाँ एक मैंसन मतलब एक बड़ा सा घर होता है जिसको वो रेंट में लेते हैं करीबन 3 महीने के लिए। इस घर में नीचे वाला फ्लोर में बहुत सारी खिड़कियां होती है, बहुत अच्छा खासा घर होता है, और इसके ऊपर वाले फ्लोर पर क्या होता है कि पूरा एयरी रहता है, मतलब हवादार रहता है, खिड़कियां होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हवा वहां पर प्रवेश करेगी, और साथ ही साथ काफ़ी रोशनी भी वहां पर आती थी, मतलब एक हिसाब से कहा जाए कि वो नेचर से कम्प्लीटली मैच करता था, प्रकृति का जो हवा है, प्रकाश, ये सारा चीज़ उन्हें उस घर पर मिल सकता है, मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का कंडीशन है उस घर का। और दूसरा रीज़न ये है कि यह जो घर है पहले यहाँ पर नर्सरी हुआ करता था, नर्सरी हम लोग कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जहाँ पर पढ़ाया जाता है उसको हम नर्सरी कह सकते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। तो नरेटर नरेटर एक फीमेल है, यहाँ पर याद रखिएगा, नरेटर जो है वो फीमेल है, पत्नी है जॉन की, तो वो अपने पति से कहते हैं कि हम लोग नीचे वाले कमरे में रहेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो इस पर जो नरेटर हैं वो सॉरी नरेटर को कहते हैं, जॉन कहते हैं अपनी पत्नी से कि नहीं, नीचे रहेंगे तो लोगों से मिलना जुलना होगा, फिर आपको आइसोलेट मिल नहीं पाएगा, मतलब उसकी पत्नी को आइसोलेशन मिल नहीं पाएगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम ऊपर वाले फ्लोर पर रहो जहाँ पर लोगों का आना जाना कम रहेगा, तुम आइसोलेट रहोगी और तो तुम्हारा जल्दी क्या होगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, तुम डिप्रेशन से जल्द बाहर निकल जाओगी।
ठीक है, तो बहुत मना करने के बावजूद भी जो जॉन है वो नरेटर की बात को नहीं मानते हैं और फाइनली ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब उस फ्लोर पे शिफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उस घर पर एक साइड पे दीवार है और एक साइड पे एक दीवार पर पीले रंग का एक वॉलपेपर चिपकाया हुआ है ऊपर से नीचे तक। नीचे के कुछ हिस्सों में फटा हुआ है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो जितनी दूर तक पहुंच सकते थे वहां पर उन बच्चों ने खरोचा स्क्रैच किया है, लेकिन बाकी जगह ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो दिख रहा है वो येलो वॉलपेपर। मैं और थोड़ा सा बता दूं कि जॉन जो थे वो काफ़ी प्रैक्टिकल वाले व्यक्ति थे, प्रैक्टिकली वाले व्यक्ति थे। वो अपनी पत्नी की देखभाल बिल्कुल अपने छोटे बच्चों की तरह किया करते थे। वह चाहते थे कि नरेटर कोई भी डोमेस्टिक काम ना करे, मतलब घरेलू काम बिल्कुल भी ना करे, वो अपने आप को बिल्कुल भी तकलीफ ना दे, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ये सारा हाउसकीपिंग वाला थोड़ा थोड़ी जो काम है वो जो जॉन की बहन है जेनी वो कर लेगी। ओके, तो ये लोग यहाँ पर लगभग 3 महीनों के लिए आए हुए हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति किसी घर में ज़्यादातर टाइम बंद रहे तो उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब नरेटर ज़्यादा समय तक वहाँ पर रूम में बंद रहने लगी तो उसके दिमाग में भी अजीबोगरीब ख्याल तब आना स्टार्ट हो गए। तो वो जो पीला वाला वॉलपेपर था उसको वो गौर से देखने लगी। तो गौर से देखने पर उसे कुछ कुछ सिंबल्स, कुछ कुछ आकृतियाँ बनी हुई उस दीवार पर उसे दिखाई देने लगी। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि नरेटर को अब 2 आंखें भी दिखाई देने लगी उस दीवार पर, पीला वाला वॉलपेपर वाले दीवार पर, कि 2 आंखें हैं जो गौर से घूर घूर कर उसे देखा करती है सुबह शाम, जिससे वह बहुत घबरा भी जाती है और अपने हस्बैंड को रूम चेंज करने के लिए भी कहती है, लेकिन उसके हस्बैंड जो होते हैं उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। फिर एक दिन नरेटर को ऐसा दिखाई देने लगता है, उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वॉलपेपर के पीछे एक महिला है जो बंद है, मतलब कोई व्यक्ति जैसे बंद रहता है जेल में, जेल के पीछे, बार्स के पीछे। ठीक है, तो उसी तरीके से उसे लगता है कि कोई महिला जो है वो पीला वॉलपेपर के पीछे कैद है। लेकिन वो दिन के समय में शांत रहती है और रात के समय में वो जो महिला है वॉलपेपर वाली वो इधर उधर क्रीपिंग करती है, दैट मीन्स रेंगती है। जितने भी पीले पीले चीज़ हैं उन सभी चीज़ों पर वो इधर उधर रेंगती है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जेनी जो है ऐसे तो हाउसकीपिंग में वो काम करने आती थी लेकिन पर्सनली मिलने आती है पीले रंग के कपड़े पहनकर। तो नरेटर को लगता है कि जो वॉलपेपर वाली महिला है वो जेनी के ऊपर भी रेंग रही है, उसके कपड़े जो वो पीले पहनी हैं उसके ऊपर भी वो रेंग रही है। इसके साथ साथ उनके हस्बैंड भी जब पीले रंग के कपड़े पहनकर आते हैं तो वहाँ भी उसे लगता है कि वो जो महिला है उसके ऊपर भी रेंग रही है। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि इनके माइंड में यह छाप पूरी तरीके से बैठ जाता है, कि इनके नरेटर के माइंड में कि कोई महिला है जो रात के समय में इधर उधर रेंगा करती है। ठीक है, रेंगती है, क्रीपिंग करती है, इधर उधर घूमती फिरती। अब ऐसे सोच होने के कारण जो नरेटर है उनका माइंड में और ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने लगा, इसलिए वो धीरे धीरे वॉलपेपर को खरोचना स्टार्ट करती है, स्क्रेचेस करके फाड़ना स्टार्ट करती है अपने हाथों से, अपने दांतों से। और यह काम वो तब क्या करती थी जब उनके पति उनके पास नहीं होते थे, जब उनके पति आ जाते थे तब वो छोड़ देती थी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वह धीरे धीरे फाड़ती गई उस वॉलपेपर को और लगभग आधा हिस्सा फाड़ चुकी थी। तो जब आखिरी समय आ गया, मतलब 3 मंथ कंप्लीट होने वाला था और आखिरी दिन था कि आज के बाद से हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो उस दिन जो नरेटर है वो दरवाज़ा को अंदर से बंद कर लेती है और बहुत ही तेज़ी से उस वॉलपेपर को फाड़ना स्टार्ट कर देती है, अपने नाखून से खरोच कर, अपने मुंह से, दांतों से। ठीक है, वो चाहती थी कि जो महिला इस वॉलपेपर के पीछे दबी हुई है, बंद है, गुलाम है, उसको मैं आज़ाद कर दूंगी, इसलिए वो जल्दी से जल्दी इसको फाड़कर समाप्त करना चाहती थी। इतने में इनके हस्बैंड जो हैं जॉन वो आ जाते हैं और बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, पर जो नरेटर है वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो जॉन एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और दरवाजे को तोड़ देते हैं।
और जैसे ही वे अंदर आते हैं तो सारा नज़ारा देखकर वह बेहोश हो जाते हैं। वह यह देखते हैं कि जो नरेटर है वो अपने नाखून से, अपने दांत से उस दीवार पर लगे वॉलपेपर को खरोंच रही है, काट रही है और फाड़ने की, उखाड़ने की कोशिश कर रही है। यह नज़ारा देखकर वे बेहोश हो जाते हैं। जब वे बेहोश हो जाते हैं तो नरेटर अपना काम को कंटिन्यू रखती है और पूरी तरीके से जो येलो वॉलपेपर है उसको फाड़कर हटा देती है। और हटाने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि जो महिला कैद थी उस वॉलपेपर के पीछे वो अब आज़ाद हो चुकी है। उसे ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन उसे खुद में यह आभास होता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि इतने समय तक वह जब एक ही कमरे में बंद है, एक ही जगह पर बंद है, तो बिल्कुल वह भी एक गुलाम की तरीके से ही अपना जीवन जी रही थी। तो अब क्या होता है, जब 3 महीने ख़त्म हो गए हैं, अब ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तो स्वाभाविक से बात है कि जिस तरीके से वो वॉलपेपर वाली महिला आज़ाद होगी, उसी तरीके से ये भी इस कमरे से पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएगी। और इस तरीके से ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।